से करते हैं। यस यीशु की नाम से मेरा हाथ मांग कर चाहता हूँ, देखता हूँ यीशु के नाम में। अभी जगह बैठ सकते हैं। कितने लोग खुश आज रहे हैं? बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको लोग बहुत अच्छे अल्फाजों से याद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोग कहते हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरी नज़र के अंदर एक ऐसी एक औरत है जिसको बहुत से लोग उस तरह ग्लोरीफाई नहीं करते, जिसका नाम राहब है। राहब एक ऐसी खातून थी जो जिस्म बेचती, जो जिस्म फरोश थी, बाइबल उसको कहती है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसकी जिंदगी के पैसे कमाने का तरीका था जिस्म बेच के था। मगर वही बाइबल उसको, जब बाइबल के अंदर अब्राहम का खत के ईमान के हीरोज का लिखा गया, जो ईमान के बड़े नाम लिखे गए, तो 11वां बाप उसको कहते हैं जो अब्राहम से शुरू करता है, तो उसके अंदर उस औरत का नाम लिखा हुआ है। और आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग हम सोचते हैं जो बड़े काम करने वाले ना, बड़े बड़े करने वाले बड़े काम करते नहीं। आपकी छोटी छोटी जो काम है ना, वो खुदा के जो काफ़ी बड़े काम बन जाते हैं। हमें लगता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो हम बड़े होंगे, मगर खुदा के हुजूर आपके छोटी से एक्ट, जब आप गुनाह में जा सकते हैं ना, गुनाह से दूर हो जाए, जब आपको मौका मिलता है फ्रॉड करने का, फ्रॉड ना करें, जब आपको मौका मिलता है कि आप कुछ भी ऐसा करें जो खुदा के हुजूर ठीक नहीं है, और आप उससे ना करें क्योंकि आपको मालूम हो कि कोई देखता नहीं देख रहा, मगर मेरा और आपका खुदा मुझ पर आपको देख रहा है। काफ़ी बार हमें लगता है कि यार फलाना नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। जब मैं यूरोप में गया ना, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे वालदैन मेरा कोई भी वहाँ पे नहीं था, और मैं अकेला फ्लैट में रहता था, और मेरी उम्र उसमें 21-22 साल थी, और हर चीज़ थी ऐसे था कि आप ये कह लें कि मेरे हमारे बेटे डैडी के रेस्टोरेंट से, उस पर कैफेटेरिया से और कॉल शॉप से, और उनमें से एक रेस्टोरेंट जो क्या वो डिस्को एरिया में था, जहाँ कुछ शहर के 60-70% डिस्कोस थे, और बिल्कुल उसके अंदर हमारा फास्ट फूड था, और मुझे डिस्कोस की फ्री एंट्री मिलती थी, फ्री। मैंने आज के डिस्को नहीं देखा अंदर से। मैं डिस्को में डेली वीकेंड पे वहाँ पे सुबह 4-5 बजे तक रेस्टोरेंट पे होते थे, हम लोग 5 बजे तक लाश नहीं करता, जो डिस्को का पीक होता है, लेकिन आज तक मैं नहीं गया। मुझे मन में क्या लगता था, मेरे माँ बाप ने मुझे देख लिया, अरे खुदा है जो मुझे देख लिया, शायद मेरी जिंदगी के वो फैसले ने आज मुझे यहाँ पे ले किया। शायद उस वक्त मैं पैसा सिर्फ कमाना चाहता था, मगर अगर उसने मैं गुमराही में गिरता ना, तो आज से डाकों के सामने ना खड़ा हो सकता। आज से इतना बताना चाहता हूँ, बड़े काम करने के लिए आपको बड़ी पाकिजगी को जीने की जरूरत है। आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, मगर अगर खुदा को खो दे तो हमने क्या पाया है। सोचे मेरे और आपके छोटे से काम करते लोग कहते हैं कोई भी देख रहा, खैर ये यार कर लेने, कोई नहीं देख रहा, मगर कोई ऐसी हस्ती है जो मुझे और आपको देख रहे हैं। शायद आपका बॉस आपका मालिक ना आपको देख रहा, शायद आपकी बीवी आपको नहीं देख रही, शायद आपका दोस्त आपको नहीं देख रहा, मगर एक खुदा है जिसकी आँख हर टाइम आपको देख रही होती है। एक खुदा है जिसकी आँख एक सेकंड के भी बंद नहीं होती है। बाइबल कहता है इसराइल का मुहाफिज ना ऊँगता है और ना सोता, मतलब एक ऐसा मुहाफिज जो ना ऊँगता है ना सोता, मतलब वो ताड़े की हिफाजत करने जाग रहे हैं, जो ताड़े हरकत देखने भी जाग रहे हैं। रात को ये बच्चे थे, ये पूछ रहे थे सवाल बार बार, क्या रूहानी बढ़ोतरी में किस तरह मजबूत है, क्या सवाल था सर? सर आपका सवाल स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो कहते हैं हमारे घंटे से 2.5 घंटे दुआ करने लाते हैं, तो खैर मतलब कि लाइफ जा रहा है, मैंने भी जवाब दिया, लेकिन किसी कारण यहाँ पे जवाब दिया उनके पास संतानी साहब ने, और वो बात बिल्कुल ठीक थी। लोगों को लगता है कि जब बहुत ज़्यादा घंटे दुआ करूँगा स्पिरिचुअल तौर पर और भी बढ़ाओ दूंगा, नहीं, आपकी दुआ की टाइमिंग बढ़ेगी। स्पिरिचुअली तौर पर रूहानी तौर पर जब बढ़ते हो, जब आप गलत फैसले करने छोड़ते हैं, जब आपके फैसले ठीक होते हैं, जब आपको मालूम हो कि ये मैं गुनाह कर सकता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन आप उसको मैं गुनाह नहीं करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं गुनाह करना चाहता हूँ, मगर करूँगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ और मुझे देख रहा है, मुझे जानता है और मुझे जज कर रहा है। अगर हम काफ़ी दफ़ा सोचते हैं कि सिर्फ दुआ करने से रोज़ा रखने से हम बड़े आगे हो जाएंगे, दुआ रोज़ा रखने देते हैं, जिस मुल्क की तुम रह रहे हो, इस मुल्क के लोग मेरे और आपसे बेहतर रोज़े रखते हैं, मुझसे आपसे बेहतर डाउन टू डाउन, मतलब कि सूरज निकलने से और सूरज जाने तक ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना कुछ करते हैं, तो क्या उनके फैसले ठीक हैं?
वो तो चंद दिन के लिए करते हैं, उसके बाद फिर वो गुमराही, वो गलत काम और सब कुछ। मगर मैं और आप शायद 30 दिन लगातार रोजे तो नहीं रखते, मगर मैं और आप पाकिजगी को तो जीत सकते हैं, मैं और आप पाप तो जीत सकते हैं, मैं और आप पाकिजगी की तरफ तो रह सकते हैं। राहा फाशा थी एक ऐसी औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, एक ऐसी औरत जिसको लोग एक बुरी नजर से देखते हो, उसके घर का जब दरवाजा खटका होगा तो लोग कहते होंगे पता नहीं की अंदर गया, जो निकल के होंगे लोग उसको कहते होंगे दोनों पर काम कर दिया है। मुझे नहीं मालूम मान में ऐसी जगह हैं या नहीं है, मगर पूरी दुनिया में ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह के काम के लिए लोग जाते हैं, आदमी जाते हैं। मैं जब यूरोप में पहली दफ़ा गया, एक बॉस आई वॉज 21 साल मेरी उम्र थी, और मेरा डैडी मुझे 3 जगह पहले दिन दिखाए, उसके अंदर उसने शराब के अड्डे दिखाए जो नॉर्मल है, उसका उसने कैसीनो मुझे दिखाया जहाँ पे जुआ खेला जाता, और तीसरी चीज़ उसने मुझे फ्रैंकफर्ट का रेड लाइट एरिया दिखाया जहाँ पे अफाशी जिसम फरोशी होती थी। और मुझे आज तक वो बाहर जाकर उसने बोला बेटा कि 3 चीज़ों से अगर तू यूरोप में बचेगा ना, एक तू भी जिंदगी जी लेगा, तो तू अपने भैन भरावों को पाल लेगा अगर तेरे भैन भाई यहाँ पे ना है। वो बात मेरी जिंदगी में आज तक इसी तरह जिस तरह वाकई सच है। आप छोटे छोटे फैसले करके ना आप बड़े काम करने लग जाते हो, बड़े काम करने वाले बड़े भी होते, बड़े फैसले लेने वाले बड़े लोग बनते हैं। बड़े फैसले ही ना, जो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं ना, फेमस लोग बनते हैं, ये फैसले बड़े लेते हैं। शायद आप सब क्रिकेट को जानते हो, कितने लोग क्रिकेट जानते हैं, भले कि क्रिकेट नहीं जानते, क्रिकेट के अंदर दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर इस शायद विराट कोहली है। आपको पता उसने फिर 10 साल से रोटी नहीं खाई, नहीं चावल नहीं खाए, 10 साल हो गए उस बंदे को चावल नहीं खाए, तो पंजाबी है दिल्ली का, दिल्ली का शायद वो लड़का, और वो खान पीन के लिए मशहूर है, जैसे लाहौर के लोग मशहूर हैं, हाँ दिल्ली के लोग मशहूर हैं, लेकिन नेवर उसने खाया नहीं पिछले, उसको मालूम है कि मुझे अपनी बॉडी को ठीक रखना है, उसने फैसला किया कि मैं दूसरों से डिफरेंट रहना है। आज क्या फैसला मेरे और आपकी जिंदगी कि मैं और आप दूसरों की तरह जीना चाहते हैं, सिर्फ एक फ्राइडे वाले दिन चर्च आए 2 घंटे दें और चले गए और बाद में जो मर्जी करना है, या मैं और आप इस आप चर्च इस दिन जो कि ना अब चर्च में इबादत करने ही नहीं आती, ये लोगों की मेंटेलिटी है, ये गलत सोच है, हमें कहते हैं हम चर्च में इबादत करने जा रहे हैं, नहीं आप इबादत सीखने आते हो, क्या करने आते हो सीखने, इबादत सीखने आते हो। इबादत पता है कब करते हो, जब दूसरे मजाहब के लोग आपको देखें आप मुख्तलिफ हो, जब बोले कि हम 80 गाल काट रहे हैं, एक गाल नहीं काट रहे, मतलब ये सुपरवाइजर सीएचमैन है, ये चोरी कर रहे हैं, बिल अगे पीछे कर रहे हैं, तुम को नहीं यार मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यार मेरा खुदा मैनू देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। ये आपकी असल इबादत है, जब लोग आपकी शख्सियत को देख के जिंदगी भर में, दुनिया के ना मोस्टली लोग जो दूसरे मजाहिब से मसीह को कबूल किया ना, उसकी 2 बड़ी वजूहत इंटरनेशनल तौर पे बोली जाती हैं, एक साइंस मेडिकल है, मगर जो उसके बाद जो 2 बड़ी वजूहत है वो ये हैं, मसीह लोगों की जिंदगी देख के और उनकी मोहब्बत देख के, एक मौजा देख के या मसीह लोगों की जाती जिंदगी देख के, उनको उनको पता क्या कहते हैं, हमने जब मसीहों को मिले ना, हमने मसीहों के पहले गलत सुना था, बगैर जब इनको मिले इनमें जिनकी मोहब्बत है किसी में नहीं, और ये फ्रॉड नहीं करते हैं, ये सच्चे हैं। आज क्या है मेरे और आपके पास, आज क्या मैं और आप उसको देना चाहते हैं, आज क्या मैं और आप उसको लेके आना चाहते हैं। जिंदगी के अंदर हर चीज पाने के बाद भी मैं और आप सब कुछ खो सकते हैं, मगर सब कुछ खो के भी सब कुछ पा सकते हैं जब हम मसीह को पा लेते हैं। आज आप क्या चाहते हैं, वक्ती जिंदगी, वक्ती खुशी, या अपनी जिंदगी और अपनी खुशी। आप डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट जगहों से होंगे, आप शायद पीछे कभी किसी के घर ना गए हो उससे, मगर आज आप यहाँ पे बैठे क्यों बैठे, सिर्फ उसकी एक वजह है, क्योंकि एक ने आपकी कुर्बानी दी हुई है, और जिसने कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जा सकती, क्योंकि वो कुर्बानी 4 टांगों की नहीं थी, वो कुर्बानी एक जिंदा खुदा के बेटे की थी, जो दुनिया में जिस्म में आया और जिस्म में रह गए, उसने पाक जिंदगी जी, और पाक जिंदगी जी को मुझे और आपको पाक किया है। आज मैं और आप उस पाकीज़गी को किस तरह जीना चाहते हैं, राहब एक फाशा इस टाइम यशुआ मूसा की जगह अगला लीडर बनता है, नबी बनता है और उनका सरदार बनता है इसराइलियों का। तो जब वो यरू के पार आना होता है, यरू तक जाना होता है, जब वो पहले के सराम से निकलना होता है, तो वो जसूस भेजता है यरू के अंदर, और यरू में जब जसूस जाते हैं तो वो जान जाकर तो उनको बादशाह मरवाना चाहता है, और वो करते करते पता नहीं कितने काम उन्होंने खड़काए होंगे, मगर एक जब दरवाजा खड़काया उन्होंने, क्यों सौरभ के घर की, ये बड़ी जरूरी बात है, शायद लोगों ने मना किया, मगर राहब ने जब दरवाजा खोला होगा ना, उन्हें क्या कहा, अभी मेरे गाहक आए हैं, मेरी दिहाड़ी आई है, ये बुरा ना मगर ये सच इसी तरह,
मगर उसने जब उस घर के अंदर गया होंगे ना, राम ने कहा इनकी तो नजरें मुख्तलिफ हैं, इस दरवाजे पे तो जो भी है उसकी नजरें गलत थी, ये दो लड़के डिफरेंट है। पागल नहीं उसी के रहा लेती, मेरा बुआ कहती है जिन्हें खड़काया ना मेरा जिस्म नोचने के लिए की है, ये लड़के कैसे आए हैं, इनकी तो आंखें डिफरेंट है, इनका तो जिंदगी तरीका डिफरेंट है, इन्होंने तो मेरी तरफ आंखें नहीं उठाई हैं, ये तो अपनी किसी। आज सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं और आप इस दुनिया में वक्त भी हैं, मैं और आप किस तरह जीना चाहते हैं, मैं और आप किस तरह जीने का सोच रहे हैं, मैं और किस तरह जीने का प्लान कर रहे हैं, मैं और आप किस तरह जीने का तरीके को आजमाना चाहते हैं। वक्त बिल्कुल हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, पैसे के बगैर मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे आए हो तो पेट्रोल भरा गया है, आप सब मतलब कि आप इसे कोई भी पैदल चल के नहीं आए, एट मिन पैसा लगा है मुझे मालूम है इस चीज़ का, मगर क्या मैं और अपने खुदा को टाइम दे रहे हैं जितने दे रहे हैं, क्या मैं और अपने खुदा को टाइम देना चाहते हैं देना चाहते हैं। आप सब अपनी फैमिली में डेली बात करते हो, आप इसे कोई भी ऐसा नहीं जो अपनी फैमिली में बात ना करता, मगर आप और मैं डेली खुदा से बात करते हैं, क्या डेली खुदा को कहते हैं खुदा गुड मॉर्निंग, खुदा जी सुबह का सलाम दे। 90% लोग दुनिया के ना सबसे पहले उठ के अपना मोबाइल ढूंढते हैं, वो खबरें वो देखना चाहते हैं, किसने मैसेज किया, किसका क्या हुआ, किसका क्या हुआ, अगर खुदा कहता है कभी मीनू भी पूछ के रहती हूँ मैं कैसा, अगर खुदा सांस ना ले तो मैं और आप जिंदा रह सकते हैं, आप मसीह हो के ना मुश्किल में जा सकते हो। बहुत से पीछे पीछे कर जब मसीह में आए तो आप मुश्किलें नहीं देने के लिए, बाइबलिकली तौर पर यसु आखिरी टाइम तक मुसीबतों में रहा सर, यसु आखिरी टाइम तक, तो हम यसु से बेहतर तो नहीं है भाई, अगर यसु आखिरी टाइम तक मुसीबतों में रहा तो असली रियलिटी की मसला है, कहते तुम जान देने तक वफादार रह, तुम ये जिंदगी का ताज आसान नहीं है, जिंदगी का ताज लेना जो है ना आसमान के ताज जिसके हर एक के सर पे जो आना है ना, ताज हर एक के सर पे नहीं आएगा इस तरह, ताज की उसकी कीमत देनी पड़ेगी, ताज यहाँ पे बादशाह आपको पता है सुल्तान है, ठीक है, तो सुल्तान जब तक पहला सुल्तान जिंदा होता है दूसरे को नहीं दिया जाता, और सुल्तान बनने की कीमत देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, मगर वो कहता है मैं जिंदगी का ताज तुम्हारे लिए रखा है, सोचिए जिस पर ताज आ जाता है ना जिस दिन जिस बादशाह पे या जिस भी शख्स उस मुल्क का ताज आ जाए ना, उसके नोटा ने करेंसी तो की तस्वीर लगन लग जाती है, है सर, कितने साल 80-90 साल भी कर इंग्लैंड की जो मलका क्वीन एलिजाबेथ रही उसकी तस्वीर पाउंड के ऊपर रही, और आज उसके बेटे की प्रिंट पर उसे छपने लगी क्योंकि वो बादशाह बन गया, सोचो जो ताज करते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हो, जब आपके मेरे सर पे ताज आएगा फरिश्ते कानून मेनू किस तरह देखेंगे, फरिश्ते ने सिर पे ताज नहीं जो होने आसमान पे हमको फरिश्ते हो सकते हैं बादशाह साहब, मगर फरिश्तों के सर पे ताज नहीं है, ताज सिर्फ उनके पास है जो जान देने तक जवानी में यीशु से कबूल किया और बस ये और ये और ये और ये और ये और ये, तो आज क्या प्रॉब्लम होगी यार, हमें लिखा है लड़के की बच्चे की उस शराब में तरबियत कर जिस शराब उसको पूरा होगी उस रस्ते से ना निकले, क्या मैं और अपने बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं, क्या मैं और अपने बच्चों के सामने गाली देते हैं, क्या मैं और अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, क्या मैं और अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं, आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी की छोटे छोटे फैसलों को ठीक करने की जरूरत है, राहत ने तो दरवाजा पता नहीं कितनों के लिए खोला होगा, मगर जब उसने उनके लिए दरवाजा खोला होगा उनकी नजरें डिफरेंट, उसने राहत ने फैसला किया कि इनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, सारे शहर ने उनको धिक्कार दिया था, सारे शहर ने उनको एंटर नहीं होने दिया, मगर एक घर में वो एंटर हो गए, सोचो सर दो जिसूस एंटर हो, जिसूस जिसूस किसी भी माशरे में खतरे की निशानी है, दो जिसूस एंटर हुए और आहाब ने उनको जाके छत पे छुपाया लकड़ी डाल दी, उनके बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन थोड़ी देर के सोचे और उस घर में ने जाके ले गया, पूरा शहर यरू का बर्बाद हुआ था, हर बंदे की टोंग लगती होती है, मार लिया गया था, सिर्फ दो यसूस जिस घर में गए थे ना उस पर लाल रंग का कपड़ा डाला गया था, है यसू का खून भी लाल है, अगर लाल रंग पे कपड़ा लोगों की जिंदगी बचा सकता तो यसू का खून मेजर आपकी जिंदगी,
अगर आप इस आपके सूरी को पढ़ना चाहो तो यशु की किताब के अंदर एक कहानी लिखी हुई है सर, उन्होंने सिर्फ इंसानों ने वादा किया था और वो साहिब इख्तियार भी थे, यसूस थे, साहिब इख्तियार यशवा था, यशवा का वादा करना एक अलग डायमेंशन थी, दो यसूसों का वादा करना अलग डायमेंशन थी। मगर उस औरत ने आकर उनसे बोला तुम मुझे वादा करो जब तुम इस शहर पे हमला करोगे फतह पाओगे। उस औरत को कितना को पता था, लोग जिसम फरोश कहते सर, मगर खुदा किसी भी हालत में आपको बरकत देना जानता है, खुदा किसी भी गलती के अंदर आपको दोबारा खड़ी करने जानता है। सुनिया में ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो मसीह के खून से ज्यादा कुवत रखता हो। यीशु का खून हर बीमारी से ज्यादा जोरावर है, यीशु का खून हर मुश्किल से ज्यादा जोरावर है, यीशु का खून हर गुनाह को पाप करना जानता है। दुनिया का ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसको यीशु का खून पाप नहीं कर सकता है। तुम्हारे गुनाह क्या मसीह क्यों ना हो, मैं उनको बर्फ की माने धो के पाप को साफ कर दूंगा। आज मैं और आप अपने जिंदगी को किस तरह देखना चाहते हैं, मैं और अपनी जिंदगी को किस तरह रखना चाहते हैं। रात में बोला जब तुम इस शहर पे गाले पाओगे तो क्या करोगे, उससे वादा करो मुझे और मेरे घराने को बचाओगे। सर वो जिस्म बेइज्जती थी उसकी वजह से उसका घराना बच गया। ये सेम वो बात है जो पौलुस ने उस सुबह लास्मान की किताब में बोली थी, तू यीशु मसीह पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जब आप मसीह को पूरी तरह कबूल करते हो, जब आपकी जिंदगी ठीक होती है, जब आपकी जिंदगी को बदलते हो, आपके बच्चों की जिंदगी बदलने लग जाती है, आपके घराना की जिंदगी बदलने लग जाती है। मगर जब आप मसीह को कबूल करके वो जिंदगी ठीक तरह नहीं जीते तो आप अपने जिंदगी के अंदर अपने घराने के दरवाजे बंद करते हो। अगर आप बोलते हो कि मैं मसीह का हूं मेरी जिंदगी ऐसी है और आप फ्रॉड धोखा और उसको टाइम नहीं देते तो आप अपने बच्चों के लिए गलत बुनियाद डाल रहे हो। उससे बोला मैं क्या करूं कि नहीं चाह पाऊं, उससे बोला तू यीशु मसीह पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और वो शख्स एक सूबेदार था, उसके घर में मुलाजम भी थे, नौकर भी थे और बंदी भी होंगे जो के अब्दी गुलाम होंगे। मगर जब पौलुस उसके घर में गया था ना तो उसके सारे घराने के अंदर, उसके घराने के अंदर उसकी बीवी बच्चे नहीं थे, उसके नौकरों तक ने उसे निजात पा ली थी। जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है आपकी जिंदगी की हर चीज को ठीक करने लग जाता है। जब यीशु आपके घर में आता है आपके खानदान को ठीक करने लग जाता है। जब यीशु आपकी जिंदगी के अंदर पूरे तौर पे आने लग जाता है, आप अपने पूरे तौर पे मसीह को अपनी जिंदगी देते हो तो आप पूरे तौर पे बदल जाते हो। मगर जब आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसको लेते हो, दूसरा हिस्सा कहीं और रखना चाहते हो तो आप पूरी तरह मसीह के नहीं हो। बाइबल में लिखा है मत्ती की झील 25 बाब के अंदर 10 कुंवारियों का जिक्र है, 5 शकलमंद 5 बेवकूफ हैं और 5 के जो कि हजार साल बादशाह जिएंगी 5 नहीं जिएंगी। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? और मसीह कयामत का किसी को नहीं मालूम है। कोई थियोलॉजियन, कोई प्रॉफेट, कोई फलाना, कोई दमदारा नहीं बता सकता आपको। वो सिर्फ बेटे को पता है, बाप को पता, रूह कुदस को पता है। वो किसी भी लम्हे आ सकता है और जब वो आएगा मैं और आप किस हालत में होंगे, मैं और आप जब वो आएगा क्या मैं और आप उस दुनिया की रविशों में होंगे, क्या मैं और आप उसके लिए तैयार खड़े हैं, क्या मेरी और आपकी कुपियां भरी हैं, क्या मेरी और आपकी कुपियां खाली हैं। आज मैं आपके हालत में बैठी हैं, आज रात आज क्या ख्वाहिश है मेरी और आपकी, आज क्या अपनी अहमियत जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, आज अपनी अहमियत को समझे हुए हैं, आपको मालूम आपकी कीमत क्या है। राहब के लिए सिर्फ यीशु ने वादा किया था, मेरे और आपके लिए जो वादा करके दिया है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। राहब के साथ यीशु ने वादा किया था, मगर जो मेरे और आपसे वादा करके दिया है वो खुदा का बेटा है और वो वादों में सच्चा खुदा है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, उसके मुंह की बातें हर केस नहीं टल सकती है, हर चीज टल सकती है, मगर एक ऐसी कुदरत है जिसके मुंह के अल्फाज नहीं डाल सकते हैं। लोग कहते हैं ये बाइबल बदल गई है, ये बाइबल ना बदली थी ना बदली है ना कभी बदल सकती है। ये बाइबल खुदा का सदा कलाम था, सदा कलाम है और सदा कलाम रहेगा, क्योंकि इस कलाम के वसीले लोग जिंदगी पा रहे हैं, इस कलाम के वसीले लोग जिंदगी पाते हैं। ये कलाम आज भी जिंदगी देना चाहता है, मगर मैं और आप क्या चाहते हैं, मैं और आप क्या जानते हैं, नहीं जानते। छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, नोट टाइम पता नहीं करूंगी गलत ही ना, ये कितने का नोट है आपके पास है
1000 का, ये बेटी को पता है। अब ये नोट कितने का है? आप कितने का है? आप कितने का है? आप कितने का है? इससे तो कीमत नहीं खो रहा, क्यों नहीं खो रहा? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको 1000 का बनाया। इन्हों पैर के रखे चढ़ जो कुछ कर लो, नचो कोई कर लो, चलो भी इन्हों खोलोगे ना, इधर पार भी जाए ना, इन्हों टेप ला के अगर दुकानदार ना ले तो बैंक चले जाओ, स्टेट बैंक तुम पाकिस्तान का वापसी दे दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जारी किया, उनको पता है इसकी कीमत ठीक है, उन्होंने पता है अच्छी है नकली है। जिसने आपको बनाया है ना, वो आपकी कीमत को आपसे लेता जाएगा। जिसने आपकी कीमत दिया वो जानता था किसके खिलाफ आपके हाथ ठीक है। ये है कि मुश्किल आपके ऊपर है, आप दबे हुए हो, मगर फिर भी आप खुदा के बेटे बेटियां हो। अगर आपका पैसा है उस समय आप खुदा के बेटे बेटियां हो, मगर अगर आप दबे हुए हो, मुश्किल आपने कर्जे ने आपको दबा दिया, तो वो वक्त ही है। सस ने तो तंग किया होया, इतना नहीं प्रोसेस है। हाँ कहते हैं बोझ के थके मान दो, बोझ के थके मान दो, बोझ के थके मान दो, बोझ के थके मान दो। क्या बोझ आ गया आपके पास? उसे नहीं बोला फलां बोझ का मतलब, जैसा भी बोझ है, दुख है, अकेलापन है, तन्हाई है, बीमारी है, मुश्किल है, कोई मौत की जरूरत है, किसके पास आओ? क्योंकि मेरे पास मुझे तक मान लो, मैं तुमको ईसाई नाइट यहाँ पे इस मुल्क में लेके जाऊँ, कोई नहीं इसको लेगा, लेगा कोई इसको? हैं? मैं दुकान तो जाके सौदा ले आ सकना है? देंगे? क्यों नहीं देंगे सर? लोग नहीं देंगे यार, मैं डॉलर भी भेजूंगा तो दुकानदार नहीं लेगा। इसे डॉलर दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है, इन्होंने कहना साड़ी करेंसी डॉलर तो ज्यादा बेहतर है जी, है ना सर? कहेंगे डॉलर तो उत्ते है, दो ढाई डॉलर दो तो एक को मान ही लगता है ठीक है, नहीं लेंगे। आपने जिस मैं जिस भी मुल्क में जाता हूँ ना, उस मुल्क की करेंसी मुझे जेब में रख के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं पर भी जाके कुछ नहीं ले सकता हूँ, ले सकना नहीं लेंगे मन। इसी तरह आसमान पे भी एक करेंसी इस्तेमाल होती है, और वो करेंसी सोना चांदी नहीं है, ना कायर की तस्वीर है, ना मलका लिजबत की तस्वीर है, सुल्तान की, ना बादशाह की, नहीं। उस करेंसी का नाम यीशु मसीह पर ईमान है। जब आपका ईमान यीशु पे है ना, आप आसमान से कुछ भी ले सकते। जब आपका ईमान यीशु पे है ना, आप जो भी मांगोगे आपको देने के लिए तैयार है। कहता है तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे तुमको दे देगा। तुम मांगना नहीं जानते हो, पता की कह रहा है? वो देना जानता है, तानू मांगना नहीं आ रहा। मैं तो देना जानना, मैं तो देने के लिए तैयार हूं, मैं तो देने चाहने के लिए हूं। आज रात आपको सिर्फ बताना चाहता हूं क्या है मेरे और आपके पास जो हम खुदा को सबसे अच्छा कर दे सकते हैं। क्या ऐसी चीज है जो मैं और आप खुदा को देने के लिए तैयार है? क्या है आज आपके पास? क्या बोलेंगे? सोचें अगर अभी यीशु आ गया आज रात, अभी घंटे बाद आज रोटी खानी है, ये जरा पैदा कह रहे हैं ये रोटी इंपॉर्टेंट है ठीक है, तो लगे बंदा हूँ रोटी पक्की है, उन्हें अग लाई है, अग लाई वो अगर आ गए ना होने यीशु, इन्हें बड़ा किया यीशु, तो नहीं पर एक चूल्हा जला के रोटी खाई यीशु ने। अच्छा यार तुम्हें 5 मिनट रोक जाना है। सोचिए आप सर सीरियस, अगर अभी यीशु आ गया तो क्या मैं और आप तैयार हैं? सोचिए आप, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा और किसी को नहीं कह रहा अपना हाथ उठाए या ना उठाए, सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए आप सर, क्या आपने अपने दुश्मनों को माफ किया हुआ? क्या जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया आपने उनको माफ किया? क्या जिन्होंने आपको फ्रॉड किया आपके पैसे खाए आपने उनको माफ कर दिया? सोचिए अगर अभी ये सुबह है, अभी बड़ी अभी गुनाहों की बात नहीं कर रहा, क्या आपको लगता है
स्टेज पर बैठने का क्या फायदा है? फिर हम तो दुनिया के लोगों की तरह, हम क्यों बैठ आते हैं? सिर्फ उसके साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं मेरे को दुआ नहीं होती। मैंने कहा तेरी दुआ नहीं होती फिर खुदा की बादशाह नहीं तू जा सकता, फिर कोई और बादशाह लग गया बेटा। आसमान पे आपने को गुल्ली डंडा नहीं खेलना, ना ही फुटबॉल है ना क्रिकेट है, खुदा का तख्त है तो भी प्रस्तिश है। क्यों पास कहने लगे सही, अगर इधर हम अगर नहीं कर सकते तो आसमान पे फिर की जाती कर। मगर सोचिए आज इसे पेश करके आज रात यहाँ से बाहर जाए, अभी थोड़ा टाइम है, अगर इसे पेश करके आज रात यहाँ से जाए, क्या मैं और आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? क्या मेरा और आपका दिल के अंदर वो खौफ तो नहीं है कि यीशु आ गए तो मैं नहीं जा पाऊंगा? किसी की गेंस नहीं तो किसी की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा। आप अपनी जिंदगी को खुदा के बाद खुद सबसे अच्छा जानते हैं। मेरी जो गलतियां हैं ना वो मेरे माँ बाप नहीं सही जानते, मेरी बीवी नहीं जानती, जो मैं जानता हूँ मेरे खुदा गया। मेरे चंद ऐसी अच्छी बातें भी हैं जो शायद मैं किसी को नहीं बता पाता, वो बता नहीं सकता क्योंकि फिर अगर दास्तान करते लोगों को पता चल जाएगा, मैं किसी को नहीं बताता। काफी दफा मैं भी ऐसे काम करता हूँ खुदा को बताऊ। सोचे आज रात से देखिए आप तालियां बजाओ, हदिये पाओ, प्रॉफ्सियां ले लो, की फायदा अगर खुदा की बादशाह को। लोगों को लगता है प्रॉफ्सी लेके ना यासिर साहब असि खुदा के बादशाह के पक्के पेमेंट हो गया। बाइबल दे खादम जेड़ा जहन्नमी बैठे थे, यस्सु का जाती शगिर्द, बल्कि यस्सु का रसूल शगिर्द, पता नहीं किन्ने जहन्नम गए ने। यस्सु के शगिर्द एक नहीं थे, यस्सु के शगिर्द बारह नहीं थे, यस्सु ने रसूल बारह बनाए थे। शगिर्द थोड़े हजारा ही चोने गए। तुम मजे की गल दस, यस्सु ने एक ऐसा शगिर्द जिन्हें दुनिया का सब तो व्डा हथियार दिता है। क्यों पास क्या नाम था उसका? यूसुफ। यूसुफ जिसने यस्सु की कब्र खरीदी। सोचो अगर उस बंदे ने यस्सु की कब्र ना खरीदी होती तो तुम भी कैंसर यस्सु जिंदा है कि नहीं जिंदा? लोग तो हूं नहीं मार मानते, अगर कब्र ना होती फिर की होना सी? कैसा उसमें सर लोग, कैसी कैसी छोटी सी बात है। एक ऐसा शख्स जिसने कभी इंजील नहीं सुनाई है सर, कभी यस्सु ने ना लाइन फिरया नहीं, रोटियां नहीं खादियां, वो टोकरियां नहीं भरते देखी, लाजर को निकलते देखे, टांधे नहीं ठीक होते देखे, मतलब चोरी छुप के आगे ना करी कि यस्सु को बहंदा और घर आती तेरे को उससे करना है कुछ, क्योंकि अमीर था, इसे डरता था कि उसका कारोबार ना खत्म कर देंगे। लेकिन यस्सु ने कहा कोई गल नहीं बेटा, तेरा डर भी ठीक है थोड़ी देर ली, क्योंकि कवर में तू ही खरीद ले। सर मोस्टली जरा ना वो लीडर सुना को तो पैसे आए नहीं सन, वो तो सारा चोर पहले ही लै गया, यूदा ने सब पहले ही लट टुट लिता से, वो थैली को रह नहीं देता। अगली साज भी आपकी जेबों को खाली करना चाहता है, तो पता है सर यीशु ही जो थैली थी ना चर्च थी सर वो भी खाली कर देती उसके लालच है। मगर यीशु जानता था कि एक दिन पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसने एक ऐसा शेड भी रखा था जिसको कभी नहीं लोगों ने देखा था। पब्लिकली कहीं पर झील का उसमें जिक्र नहीं आया, लेकिन जब कब्र खरीदी ना यूसुफ आया और कहा मेरी कब्र दो, वे काम फिर वे लोग भी कर दो। उन्हें कहा भाई तू वा मेरे को पैसा लगा, मैं कितना बड़ा हदिया डाल गया सर, जो समान से गया होगा ना यूसुफ है पता नहीं, जो समान से गया होगा ना यूसुफ चूम के गया होगा, स्टिफनेस से बाहर ही कितने गया, स्टिफनेस पहले गया, मगर यूसुफ के लिए भी खुदा खड़ा हुआ है। आसमान देना फिश्ते गालियाँ हो जाती हैं, यूसुफ क्या हदिया डाल गया है। वैसे अपने हाथ खड़ा जो कुछ तुम्हें खुदा के लिए बोल रहा है ना इस मुल्क में, तेरे बच्चे से कई हजार गुना दूसरे मुल्क में काटे। सीखा रखा ही थरा रहा देखिए फ्लोरा
नंबर अपने जहन में सोच ले, उससे खुदा मल्टीप्लाई करेगा तेरे फाइनेंशियल ग्रेस को। फिर कब होगा? अच्छा, मेरा और आपका दिल साफ होगा। राहब एक फाशा थी मेरे बहन और भाई, मगर ऐसा काम करके चली गई कि आज बॉस से ईमानदार नहीं कर पा रहे हैं। क्या ईमान है मेरा और आपका? क्या ईमान जीना चाहते हैं आप? इतने घंटे काम पर, तो कितने घंटे से ड्यूटी है? 12 घंटे की? 12 घंटे मरते हो, 15 मिनट हो नहीं कर सकते? 15 मिनट पहले उठ के वो खुदा तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। सूरज ये गर्मी 50 डिग्री के अंदर असी 15 मिनट असी तेरे सामने तख्त आना चाहते हैं। मैं आज मजदूरी करो, मेरे बच्चे को मजदूरी नहीं करेंगे। मैं आज मजदूरी कर रहा हूं, मेरे बच्चे वो जिंदगी को नहीं चाहिए। राहब का सारा घराना राहब के पैसों से खाना खाता था, ये बाइबल के अंदर मौजूद है। मगर उस औरत ने बोला, मैं तो जिसमें बेच बेच के तंग आ गई है, कोई बंदे ना बखरे आए जी आज, ये मेरी लानत तू भी खत्म कर सकता। कभी दोबारा उसकी नस्ल में किसी को जिस्म नहीं बेचना चाहूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग ही मर गए जो उसका जिस्म खाया करते थे। वो जरूर के लोग उसके गांव ही खत्म हो गए, और खुदा ने उसको एक नए कबीले के साथ आगे भेज दिया। आज रात आपकी गलती, आपकी खिदा, आपकी मुश्किल, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी है, खुदा का बेटा हर चीज पे गालिब आ चुका है। खुदा का बेटा हर चीज पे गालिब आ चुका है। मगर क्या है, अगर आज रात को यहां पे आ जाए, अगर आज रात वो मुझे और आपको उठाने के लिए आ जाए, और एक दिन दुल्हन ने उठना है। मुझे किसी ने बोला कि तो ये फैंटेसी वर्ल्ड में कौन सा कैरेक्टर चल रहा है? मैं कहा सुपरमैन। मैं वैसे मुझे कोई नहीं पसंद, लेकिन सुपरमैन। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा मैं एक दिन सुपरमैन मगर उठना है। मतलब मैं जब मैं जीते ही यस्सु आ गया ना सर, अगर मेरे मेरे साह लेंदे आ गया तो मैं उड़ के और ना टुट जाना आसमान पे, तो मैं भी अगर मुक्ति गया होया ना तो मेरे नाल उड़ते हुए जमीन पे आना वापस। आपको पता है लोग उसको तलाश करेंगे, मैं और आप उसके साथ हुकूमत करेंगे। तो आज कुर्बानी दे रहे हैं, कल उसको खाने का फल, मगर उस फल को खाने के लिए ये रूह का सबसे बड़ा फल है कि अबदी जिंदगी मेरे और आपके पास है। द ग्रेटेस्ट फ्रूट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। खुदा का सबसे बड़ा तोहफा, नेमत, बख्शिश, पल, इनाम हमेशा की जिंदगी है। मगर छोटे छोटे फैसलों से हम खो सकते हैं। यूदा इस्करियोती एक डोमिनेटेड पर्सन था, रसूलों के अंदर वाइज था, जिसके पास लैदा कख नहीं मगर जैसे सतारा लग जाए ना गड्डी के अगे बंदा बहन लग जाता है, जो दो लाख में रहने जो 3 लाख में पूरे खाने का ठेकेदार बन जाता है। सारे रसूल ना बेचारे टुले सन, कोई सतारा नहीं लगा, सिर्फ एक सतारा सी यूदा इस्करियोती, क्योंकि खजानची सी, मतलब कि गलहरा ड्यूटी से होती, जो हदिया होता सी कहना लिया फड़ा। पता नहीं कितनी दफा चोरी किया होगा उसने सर, मगर एक दिन चोरी इतनी ज्यादा हो गई बस पासन फैनियल साहब जिस मसीह के पांव धोने के लिए 300 दिनार का परफ्यूम डालते होंगे हैं। मैं तो कल एक परफ्यूम की गल कर रहा था, 350-400 डॉलर का है सर। आज के दौरे सामने यार की मजा करीब अगर खरीद सकी है जी, तो उस टाइम यस्सू के पैर ये 300 दिनार का पिया से। अगर आज के दौर में परफ्यूम होता ना तो वो करोड़ों में होता। बिल गेट्स ही खरीद पाता सर, एलन मस्क,
किंग ऑफ उमान दुनिया में सिर्फ किंग ही खरीदते हो तो यीशु के पैर ही पैदा सरिया फिर किन्ना पैदा होगा फिर भी उन्हें यीशु तीह दिनार से बेच दिता। जो गुनाह है ना ये नहीं कि बड़ा गुनाह बड़ा होगा, गुनाह छोटा भी गुनाह होता है। यीशु ने गुनाह को नहीं खत्म किया, उसने गुनाह की सोच तक को खत्म करने चला गया। शरीयत के हिसाब से जो करोगे उसकी सजा पाओगे, मगर मसीह की शरीयत है जो सोच भी लोगे तुम गुनाह कर चुके हो। पर उसने क्या बोला, जो मेरे पैरोकार है उनकी सोचे भी पाक में करके जाऊंगा। आज रात क्या है जो मुझे और आपको खुदा के पास जाने से रोक सकता है? हम यीशु के पास आ गए हैं मगर बाप के पास जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? यीशु वो दरवाजा जो मुझे और आपको बाप के पास लेके जाएगा। क्या मैं और आप बाप के पास जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? क्या मैं और आप तैयारी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? आपकी दुआएं आपको यीशु के पास नहीं लेके जाएंगी, वो आपको पाक जिंदगी जीने के लिए होंगे। आपके हदीये भी आपको खुदा के पास मेरे लिए गिफ्ट है। सर लोग टाइल या हदिया क्यों पाने खुदा सानू बरकत दे तो बरकत लै लेंगे ने, जिस मान से तुम ना तो सीधा तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हैं जी इस तरह से दुआ तुम कर दो ताकि ताकि बीमारी ना आए ना आए जो और की है। सर किन्ने लोगों ने दुआ की है कि खुदा इस मुल्क की बेदारी लै आया रोजा अपना अपना है, अपनी अपनी फिक्र है सारों। हाँ ठीक है ना, गलत कह रहे मैं सच कह रहा वो वेखो उबा है यकीन करो गल अगर चूल्हा ना ना जाता मेरे चूल्हा जला रहे रोजा पैशन हर बंदे का अपना, हर बंदे का अपना है। मेरे भी जब माँ बाप बीमार होते मेरे भी अच्छू निकल आते हैं, मैं भी बच्चा हूँ ना मेरे बच्चों को जब मैं देखा मेरे आंसू निकल आता है। लोगों ने बच्चे में कैंसर ही देखना मेरे आंसू नहीं निकलते, काफी दफा नहीं निकलते काफी दफा। मुझे किसी ने पूछा मैं क्या मुझे इफेक्ट नहीं करता, मैं क्या मैं जितने भी लोगों को मिलता ना मैं उनकी बीमारियां अपने साथ ही रखता, मैं क्या अगर मैं लोगों ने दुख अपने नाल रख ला ना तो मैं तो दिमागी तौर पर पागल हो जाऊंगा, इन्ना तो मैं दुनिया पर रहना। अगर हर जगह के दुख मैं अपने मैं दुआ करता हूँ, मुझे लोग कहते दुआ कर मैं हमेशा दुआ, मैं क्या मैं नहीं रख सकता, मैं किस तरह याद रख सकता? मैं झूठ ही बोलता, इसने बोला सर वो मुंडा है कितने कर, उन्हें क्या मैं अगर अपनी बच्चे ने ना लेके दे दे मैं भूल जाना, तू ना लेके दे दे मैं दुआ कर दाँगा। मैं नहीं क्या मैं हमेशा दुआ करांगा, जो लोग बोलने भाई साहब रोजाना मेरे दुआ करना मैं मतलब नहीं कह रहा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, लोगों को बुरा लगता है लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैं मतलब दे तुम आओ मेरे को भाई साहब आपने दुआ में रोजाना मुझे याद रखना है, ठंड लगता मैं रख पाऊंगा। झूठ बोलांगा झूठ, मैं रोजाना अपने बच्चों के लिए काफी दफा नहीं दुआ करता जिन्होंने मैं पैदा किया है, लेकिन लोग मजबूत में बोल ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे फैसले ठीक हो जाएंगे बड़े, मतलब कि जब हम छोटी गलतियां ठीक कर लेंगे ना बड़े गुनाह सारे ही पता है, मतलब कि बदकारी करते हैं पता गुनाह है सर ठीक है या नहीं, मतलब ये जी 2 रुपए की हेर फेरी की गुनाह ही नहीं समझना, करोड़ लाख रुपए जो कर दिए ना उदो सोचना, जो 2 रुपए ठीक कर लो लाख कभी होगा ही नहीं ताे को। एक काम तो गए मतलब क्या भी जुड़िया भी मतलब कम दिल कर नहीं कर ऐवी कह रहे मैं बाथरूम जाके ऐसी अद्धा घंटा बैठे रहना। जो कैसर है वो कैसर है, जो खुदा है वो खुदा है। अगर आपका मालक आपको तनख्वाह दे रहा है तो वो घंटे उसके हैं, ईमानदारी से उसके सब काम करना है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए। वो जाती है आप ना काम करो आप चले जाओ आपसे,
मुझे किसी ने बोला लड़का था चोरी करता था, और मैं जो पादरी भी नहीं था, मैं क्या क्यों चोरी करता है यार, कभी तनख्वाह काट देता है, मैं क्या काम छाट दे कि होर तबला भाई। उसने बोला मैं इतनी दूंगा 600 रुपया दांगा फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा मैं तुम 600 यूरो तनख्वाह दांगा, उन्होंने कहा ठीक है इन्हें तुम्हें घंटे काम करना, भाई तू क्यों माना, उन्हें ये नहीं देखो काम करा के तेन 1000 कह के तेन 600 रुपया फिर तू चोरी कर लै 400 रुपया, जो गल मुक गई है 600 की तुम्हें क्यों मानना 600, तुम टाइम कहा मैं 600 पे नहीं करना, मैं 800 पे करना दे काम, ओरी मर्जी तेन दे, ओरी मर्जी ना दे नहीं देनी, तो कितने होर ला अपना नहीं होता तो 600 की गुजारा करना सर, कुरान कह तेन बेहतर दे। हम काफी दफा वो गलत फैसले करते हैं जो गलती करते हैं, मगर राहब ने एक दिन फैसला किया कि आज मैं मुख्तिफ कर रहा हूं, आज रात क्या मैं और अपने फैसले ठीक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आज रात मैं और अपने अपने फैसलों को ठीक करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। आपका ईमान बहुत कुछ कर सकता है, एक कुर्सी जरा ठहरी आई जा तेरा मिसाल ही आना चाहता है, आलू थोड़ा लाने खाना की पकाया सप्लाई का दस मेरे नेड़े थाट हो गई मेरी सप्लाई तेरे सप्लाई देते भैया क्यों बैठा है आपने बोला मगर मेरे कड़े कहने तो बैठा है नहीं 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 करो सर कहना मेरा सी मगर इसको ईमान था कि वो सिर संभाल लेगी हूँ क्यों नहीं बैठा है जी तक आए लेते ना सुन हमारा ईमान इस कुर्सी पे आप जितने यहाँ पे बैठे हो आपका क्यों बैठे उस कुर्सी पे क्योंकि तुम पता तुम जिन्हें ही वजनी हो ना संभाल ही लेगी हमें ये कुर्सी पे ईमान है कि हमें संभाल लेगी मैं तुरंत के आ रहा हूँ कोई मैंने पता कुर्सी हाथ लावा मैं कुर्सी बैठा था पता ही मैंने संभाले ना संभाले मगर मुझे ईमान है कि लोहे का छोटे से रॉड और प्लास्टिक की चीज मुझे संभाल लेगी इसलिए मैं इस पर बैठ रहा हूँ ऐसा ही है ना तो मैं कुर्सियां कड़ा ने तुम हवा भी बह सकोगे तुम जो कुर्सियां डालो सारे तुम इंज नहीं बैठोगे तुम इंज करोगे पहले सारा लगोगे ईमान अपना लबो कि कितने जमीन है और आपको ये ईमान होगा कि फर्श में संभाल लेगा अगर आप पर मुझे इन छोटी छोटी चीजों पे ईमान है तो खुदा के बेटे पे ईमान क्यों नहीं है कि मुझे और आपको संभालेगा हम जितने भी मुश्किल में क्यों ना हो मुझे और आपको बाहर जरूर निकालेगा कि सारक सात बार गिरजे सातों बार उसको संभालना जानता है मगर हम काफी दफा इन चीजों पर ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं और खुदा के बेटे पे कम फोकस किए होते हैं रहा का उसमें कितना ईमान था कि ये जो आए हैं ये मुख्तलिफ हैं ये जो लड़के आए हैं ये मुख्तलिफ हैं ये उन जैसे नहीं है इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं इनका देखना मुख्तलिफ है इनका बोलना मुख्तलिफ है इस घर में जो भी आता है दरवाजे को जो भी खटकाता है वो जिस्म के लिए आता है मगर ये जिस्म के लिए नहीं आए ये अपने लीडर के हुक्म को सुन के आए हैं उनको मालूम था यीशुस की जिंदगी पकड़वाना मौत होती है पर उनको मालूम था हमारे लीडर हमें भेज रहा है वो हमारे साथ होगा यीशु ने बोला तुम कौमों में जाओ उनको शागिर्द बनाओ उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो मैं देखो मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं आपके साथ कोई है या नहीं है एक है जो हमेशा आपके साथ रहता है आपको कोई देख रहा है देख रहा मगर एक है जो आपको संभाले हुए है मसीह लोग कभी भी अकेले नहीं होते हैं मुझे कभी भी कोई पूछता तो क्या तेरा शुरू है मैं क्या हम लोग हम मुझे कहते हैं कितने आ रहे हो मैं क्या हम उन्हें क्यों मैं क्योंकि बाप भी मेरे साथ है बेटा भी मेरे साथ है तो मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि जब एलिया कहीं पे जाता था तो एक एलिया जाता था मगर जब अलीशा किसी घर में जाता था तो दो एलिया जाते थे क्योंकि एलिया की रूह का दो गुना उसके ऊपर था डबल पोर्शन था जिस घर में एलिया कदम रखता था लैड एडवेंचर मगर जब अलीशा कदम रखता सी ना दो एलिया अंदर बढ़ते सन एक नाल तो घर हिल जाता होगा ऐसी सोनी औरत की संगी मौसा नहीं हुआ था
नबी ने उससे कहा तू क्या चाहती है तेरे बादशाह से बात करने का, बादशाह ने माफी जाननी है, मगर क्योंकि सर एक आदम के मुंह से अल्फाज निकल के वो अल्फाज आसमान पर रोके। एक दिन जब अलीशा चला गया सोनमी औरत के दौर में, जमा पे वो कहर आया और जब वो दूसरे मुल्क चली गई और जब वापसी आती है तो बादशाह के हजूर अलीशा की बात की जा रही थी और जांच कहता है, वो कहता है मुझे अलीशा के मौत से तो बता। उसने बोला एक औरत थी जो बेवा थी और उसका बच्चा मर गया था, कहीं वो आ रहा है वो बच्चा। उसी टाइम औरत अपने मुल्क में वापसी आती है। जब खुदा आपके लिए कुछ बोलता है ना, खुदा आपके लिए करना चाहूंगा। जब खुदा आपके लिए कुछ कहता है वो करने का अख्तियार रखता है, मगर आज तक मैं और आप किस स्टैंडर्ड पे बैठे हैं? आज तक क्या है जो मुझे और आपको पूरी तरह खुदा के साथ नहीं जुड़ने देता? क्या है जो मुझे और आपको आज रात, अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है पूरे तौर पर तैयार नहीं हूं आज रात यीशु से जाने के लिए, तो क्या चीज है मेरी और आपकी जिंदगी में? हम उसको निकाल सकते? मुझे रात को पत्थर हटाने की सुरत है, पत्थर यीशु नहीं हटाएगा, पत्थर मुझे और आपको हटाने। पत्थर लाजर के लिए लोगों ने हटाए थे, यीशु ने नहीं हटाए थे। यीशु की कब्र से पत्थर यीशु से हटाया, आसमान से फरिश्ता आया था। वो बहने जाती थी कौन हमारे पत्थर हटाएगा, वो पत्थर तो बड़ा है। चंद पत्थर मुझे और आपको हटाने की सुरत है, माफ ना करने का, खुदा के साथ पाकीज़गी में ना जीने का, खुदा के साथ पूरे तौर पे ना छोड़ने का, खुदा के साथ पूरे तौर पे ना लगे रहने का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे और आपके खुदा से ज्यादा जोरावर है। मैंने दुनिया के 32 मुल्कों में यीशु नाम के मौजे होते देखे, 32 मुल्कों में देखा है कि खुदा की कुदरत ही बदली, मुल्क बदलते हैं, हवाएं बदलती हैं, मगर खुदा के बेटे के नाम में जो कुदरत है वो लातब्दील है, लामहदूद है। उस नाम जैसा ना कोई नाम था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। वो नाम सब नामों से अलग था, अलग है, बड़ा रहेगा। आज रात क्या है जो मैं और आप अपने खुदा को देना चाहते हैं? आज रात क्या है जो मैं और आप उसको दे सकते हैं? क्या है जो मुझे और आपको रोकता है? क्या है जो मुझे और आपको रोके हुए है? अब्रानी का खत 11 बाब और उसकी 30 नंबर आए, ईमान ही से जरू के शहर बना, जब 7 दिन तक उसके गिर फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से रहा फाशा, ना फरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने यसूसों को अमन से रखा। ईमान ही से रहा फाशा, ना फरमानों के साथ हलाक ना हुई। मैंने खुदा से पूछा, इतने बाइबल के बड़े लोग हैं, तूने अब्रानियों के खत में रहा का नाम क्यों लिखा? उसने कौन से बड़े काम किए? खुदा ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, अगर तूने उसका नाम लिखा तो फाशा क्यों लिखवा दिया? अगर हम इसको लफ्जों में स्टडी करो तो वो इसका मतलब है वो जो जिस्म बेचती थी, राहत जो जिस्म की कमाई खाती थी, आहत जो लोगों के साथ सोती थी, जो फांसी फिराती थी। और ये अब्रानियों में लफ्ज लिखा गया और दुनिया की हर लैंग्वेज में यही लफ्ज लिखा गया है। खुदा ने पता मुझे क्या बोला? उससे बोला जब वो जिस्म बेचती थी उससे उसने ईमान रखा था मेरे लोगों में। मैंने उसके गुनाह नहीं देखे, उसके ईमान को देखा था। खुदा आज भी आपकी गलतियों को नहीं देख रहा, आपके आने वाले फैसलों को देखना चाहता है। क्या आप अपने फैसलों को किस तरह करना चाहते हैं? अपने फैसलों को किस तरह जीना चाहते हैं? आज सोचिए आपका फैसला क्या है आज रात। और ये जो बाप है अब्रानियों का 11वां बाप, बाइबल के हीरोज का बाप है। ये जो लोग हैं आसमान पे इनकी बहुत कदर होगी। ये वो लोग हैं जो पुराने ऐहदनामे के हीरो हैं सारे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुनियाद रखी मसीह की आमद की। ये वो लोग हैं जिनको आसमान पे लाजमी इज्जत मिलती होगी। और उनमें एक औरत है जिसका बाइबल कहती है फाशा थी, और वो इब्राहिम की नस्ल से भी नहीं है, वो यहूदी भी नहीं थी, उससे ईमान रखता। एक और ऐसी औरत है
जिसने बहुत बड़ा काम किया। नौमी की बहू जो थी, क्या नाम था उसका? मुआबी थी। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, तुम उसको अपनी जमात में नहीं बैठने दे सकते। जहां पे यहूदी बैठे वहां पे बैठ नहीं सकते थे। मगर एक दिन उसने दुआ की और अपने खुदा छोड़ दिए। उसे नौमी के बोला, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। किस तरह खुदा गलती कर सकता है? किस तरह खुदा से गलती हो सकती है कि यीशु के नस्ब नामे में उसका नाम लिखा गया है? खुदा आपके रंग, नस्ल, कौम, जुबान, माँ बाप को नहीं देख रहा। खुदा आपके अकरार को देखना चाहता है। खुदा आपकी गुजरी जिंदगी को नहीं देख रहा, खुदा आपकी आने वाली जिंदगी को बेहतर करना चाहता है। अगर आपकी जिंदगी देखें, रूह की जिंदगी देखें, तो वो तो नया में जिक्र ही नहीं होना चाहिए उनका। दाऊद बादशाह की सगी परदादी बनी, दाऊद के साथ उसका नाम जुड़ा। और जब यीशु दुनिया में आया तो कहते थे दाऊद इब्ने दाऊद। दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते थे? जो रूत में से नस्ल पैदा हुई है उसको यीशु को बुलाते थे उसके साथ। क्यों? क्योंकि एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हूं। हम इसी भी हालत में खुदा के साथ वफादार हो सकते हैं, आप इसी भी हालत में खुदा के साथ जुड़ सकते हैं। मगर क्या है जो मुझे और आपको खुदा से रोके हुए? क्या है जो मुझे और आपको पूरी तरह मसीह में आगे नहीं बढ़ने देता? क्या है जहां से हमें लगता है कि हम अकेले हैं? मुश्किल है, बिल्कुल है। राजा तेरी बता, खुदा के साथ पूरी तरह वफादार होगी, आपको बड़ी कीमतें देनी पड़ेगी, कुर्बानियां ज्यादा हो जाएंगी। आप खुदा के साथ भी मुश्किल में जाएंगे और खुदा के बगैर भी मुश्किल में जाएंगे। फर्क सिर्फ एक है, मुश्किल लाजमी आएगी, मुश्किल नहीं। मैंने बोला अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे चलो। अरे कि क्या स्लीप चुकनी है? जो स्लीप ही ना उठा सकता वो मसीह के पीछे नहीं चल सकता। सर जो अपनी सोच हाय मेरा बच्चा, हाय 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 हाय, सिस्टर ने दो दफा मैंने तीन दफा मेरे बच्चे ने पूछा, मैं अपनी बेटी का एक दफा पूछा जाए गलता। क्योंकि मुझे मालूम है जिसकी खिदमत मैं कर रहा हूं वो मेरे घर की हिफाजत करनी चाहता। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरा खुदा सब कुछ कर चुका है, क्योंकि उनके लिए मसीह मर के जिंदा हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब खुदा के बगैर मुश्किल में जाते हो ना तो आप मुश्किल से बाहर नहीं निकलते, मगर जब आप खुदा के साथ मुश्किल में जाते हो ना वो खुदा आपको मुश्किल से बाहर निकालना चाहता है। मैंने मौत को बहुत दफा देखा है। मैं पहली दफा जब पनामा गया, साउथ अमेरिका गया, 12 किलोमीटर आगे गए, तो मैं मुझे जजीरे पे लेके गए, आइलैंड पे लेके जा रहे थे। तो हम लोग किश्ती में, तो किश्ती उलट गई, किश्ती किश्ती इस साइड को चल रही थी, मैं इस साइड को देख रहा था। मालूम है क्यों? क्योंकि वो किश्ती ना औरत ड्राइव कर रही थी, जो तो औरत ड्राइव कर दी ना गड्डी डरी लगता है, ये गल यूनिवर्सल है, कुछ छुपी छपी नहीं है। मेरी बीवी कहती मैंने ड्रेस आस लिया, मैं क्या मैं तेरा ड्राइवर है ना, मैं तेनों सारी जिंदगी तेरा ड्राइवर रहना चाहता। आप भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, दर्द भी हो रहे गड्डी आप ही चलानी, सब सुते रहे गड्डी चलो, बंदे को पता होता है पहुंच जावाने। मैं रेहन की गाड़ी है ऐसी सेकेंड होया सर, उन्हें बुढ़ी ने छाल मार दी थी इश्ती को, मेरा मुंह एंजो हो गया। और मैनू नहीं पता उन्हें नहीं मारी, सारी किसी ने छाल मार दी थी, क्योंकि वो लहर 15-20 फुट ऊंची थी। उन्होंने सारे लहर देखी, मैं पीछे देख रहा था कि सही चलाएगी कि गलत चलाएगा, क्योंकि उस सबने लहर देखी। उन्होंने जंप मार के 5-6 लोग थे, उन सबको तैरना आता था और मुझे तैरना। और जब किश्ती के साथ वो लहर लगी ना तो किश्ती हवा में उड़ी, जब वो हवा में उड़ी तो मैं किश्ती से बाहर गिर गया। क्या हुआ?
पानी के अंदर चला गया और मुझे तैरना, मैंने से दो लफ्ज बोले थे, कभी भी नहीं बोलूंगा, पापा मी इंगास, स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर है, बाप मेरी बेटियां, उस टाइम मेरी दो बेटियां थी, एक बेटी 5 साल और 2 माह की थी और 1.5 माह की थी, और मुझे मालूम था दोबारा कभी नहीं देखूंगा। जब मैं किसी से बाहर निकल रहा था ना तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का चेहरा था, मुझे 1.25 महीने की थी, मुझे मालूम था दोबारा कभी नहीं देखूंगा। और मैंने उस टाइम चीख के बोला, पापा मी इंगास, या दूसरे लफ्ज मैंने बोला, तेरे हाथों ही देना बा ठीक है, दूसरे मैं तुम बाहर नहीं आना। एक हाथा है मुझे आज भी पाना, उसने मुझे पांव से पकड़ा नीचे से और मैं अंदर जा चुका था पानी, और उसने मुझे बाहर उठाया और उसने ऊपर फेंक दिया। मैं दोबारा पानी से मेरा मुंह बाहर निकला, मेनू लग गया मैं खुदा दी बादशाह दी पानी में चूर की रह गया। पहला सेकंड मनु ना अद्धे को सेकंड तो भी घट ही लग गया, मैं आसमान ते पहुंच गया, आसमान ते अखां खोल गया, जो अखां खोलिया ना ते वही शगला वेखिया जिहड़े जिहड़ा डुबिया था, मैं कहिंदा नहीं पूरे सही अंदे ही हैगा, और मैं पानी में से पता नहीं कितना ऊंचा उछला, और मैं उछला तो मेरी आंखें खोली, आंखें खोली तो मैंने किश्ती को फाइबर की थी उल्टा देखा पड़ा हुआ, उसमें एयर लॉक हो गई, फाइबर एयर लॉक हो जाती है, तो एयर लॉक हो गई, मेरा हाथ से वहां तक पहुंचा, 17 मिनट में उस पानी में रहा, मैं वहां मर सकता था, मगर मुश्किल में जूझ गया, मगर उस मुश्किल से खुदा ने मुझे निकाला। और जब मैं बाहर निकला ना, मैं उसमें घुटनों पर गया, मैंने कहा खुदा अगर तुम मुझे इस पानी से निकाल सकते, दुनिया की हर मुश्किल से मुझे निकाल सकते, आपको सिर्फ इतना बता, वो जो मेरे लिए उसने पानी में था ना, आपके लिए हर जगह मौजूद, आपके घर में भी है, आज आप यहाँ पे बैठे हो, मगर आपका बाप और उसका बेटा और उसका रूल कुदस आपके घरों में पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी बैठा हुआ, आप उसकी यहाँ पे इबादत कर रहे हो, आपके बच्चों की आपके खानदान की, वो जहाँ पे भी उनकी हिफाजत कर, यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात सिर्फ एक के पास है, आपकी जिंदगी सिर्फ एक के पास है, उसका नाम यीशु मसीह ना से आज आप अपने कदमों पे खड़े होते हैं, जो टाइम नहीं है 10 मिनट हमने यहाँ से निकल रहे, मेरे पीछे दुआ कीजिएगा सारे, आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में आज रात हम तेरे हजूर हैं, हम अपनी जिंदगी को तेरे हजूर पेश करते हैं, आज रात हमारी कुर्बानियों को ले, हमारी गलतियों को माफ कर, जो चीजें जो काम हमने तेरे हजूर ठीक नहीं किए तू हमें माफ कर, आज रात हम चाहते हैं कि तेरा लहू हमारे जिंदगियों को सर के बालों से पांव के तलवे तक पूरे तौर पे धोकर पाक को साफ कर दे, हमारा जहन्नम से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम जिस पे ईमान लाते हैं और जिस पे ईमान है वो जहन्नम का नहीं है, वो खुदा की बादशाहत का है, इसलिए मैं और मेरा घराना, मैं और मेरी नस्लें खुदा की बादशाहत की वारिस हैं, आज रात मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी नस्लों के लिए इस चीज को तेरे हजूर डिक्लेयर करता हूं कि मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा खानदान, मैं और मेरी नस्लें तेरी बादशाहत की वारिस हैं, हमारा जहन्नम से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता, क्योंकि हमारा रिश्ता यीशु खून से जुड़ा है, वो खून कुदरत वाला है, अख्तियार वाला है, वो खून पाक है, पाक
कर्जा लूंगा ना मेरी नस्लों को कर्ज लेना पड़ेगा। आज रात हर वो चीज जो तेरी तरफ से नहीं है मेरी जिंदगी से मेरे खानदान से मेरी नस्लों से जाती है जाती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब कामे आता है तो नाकेश तो नाकेश जाता रहता है। आज रात कामे सिद्धार्थ का बेटा यीशु मसीह नासरी मेरी जिंदगी में है, इसलिए नाकेश मेरी जिंदगी से मेरे घराने से जाता है जाता है जाता है। सिखो लो गोरिया रब रासन धराना बा शिकारा थारा रबा सुभिगाना सामान दुआ करते दुआ करना शुरू कर दे अच्छी सब दुआ करते दुआ करना शुरू कर दे ये सब के दौर का बुलु है ना है शिकारा था शिकारा था हे ब्रो सिखो लो सिखे ले के ले दे मारा सतला के ये रे रे बे सिखो लो कोई रो रो बो शिकारा था ये रे रे बे शिकारा था ये रे रे बे रे 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 यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में शैतान दुबाता है। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में आप जल्दी से क्या करते जल्दी से आते हैं हम आपके लिए शैतान दुबाता है। Yeah.
Thank you.